हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलडी प्रोसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। मतलब इस वीडियो में ओवरऑल हम लोग जानेंगे कि जो एलडी कन्वर्टर जो होता है या जो एलडी कन्वर्टर शॉप होता है उसका पूरा प्लांट का लेआउट कैसे होता है, ठीक है, मटेरियल का फ्लो कैसे होता है, कहाँ से मटेरियल आता है, कहाँ पे स्टोर होता है, फिर कैसे चार्ज होता है, उसके बाद जो वेस्ट गैस है वो कहाँ जाता है, ठीक है, चार्जिंग सिस्टम कैसा है और टैपिंग सिस्टम कैसा है, जो ओवरऑल प्लांट का जो लेआउट है ना वो हम लोग समझेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको पूरा एलडी कन्वर्टर का कंस्ट्रक्शन मतलब समझ में आ जाएगा। ओवरऑल जो है प्लांट के बारे में आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में, ऑक्सीजन लेंस के बारे में, उसका डिज़ाइन कैसे होता है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एलडी कन्वर्टर क्या होता है, स्टील मेल्टिंग शॉप का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ज़्यादातर प्लांट में आपको क्या मिलेगा, एलडी कन्वर्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना तो आपको पूरा एलडी कन्वर्टर का सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टील मेकिंग सब्जेक्ट के अंदर ये वीडियो है, और अगर आप पूरा पूरा स्टील मेकिंग सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है मेटलर्जी एजुकेशन के नाम से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप स्टील मेकिंग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ओनली 250 रुपीज़ में अवेल कर सकते हो। स्टील मेकिंग के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ठीक है, 250 रुपीज़ फॉर 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आयरन मेकिंग है, मटेरियल साइंस है, फिजिकल मेटलर्जी है, टेस्टिंग मटेरियल, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, बहुत सारे 10-11 सब्जेक्ट्स हैं। वो आप इंडिविजुअल ले सकते हो या फिर एक साथ भी आप पढ़ सकते हो। ओनली ऑल सब्जेक्ट मेटलर्जी के नाम से आपको मिल जाएगा ऐप में। आप इसको लोगे तो आप पूरा जो सब्जेक्ट है किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। और अगर आप इंडिविजुअल कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो भी आप इंडिविजुअली कोई कोर्स परचेस करके आप सिंपली पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और पढ़ते हैं एलडी कन्वर्टर के बारे में, देता हूँ उसका। तो एलडी कन्वर्टर जो है सबसे पहले आया था 1949 में। इससे पहले जो है 1949 के पहले प्रोफेसर आर ड्यूरर ने स्विट्जरलैंड में ये ट्राई किया था कि हम ऑक्सीजन लेंसिंग भी कर सकते हैं, प्योर ऑक्सीजन लेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्योर ऑक्सीजन भेज के हम स्टील को रिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले क्या होता था, बेसीमर कन्वर्टर आया था, है ना, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि बेसीमर कन्वर्टर सबसे पहले आया। वहाँ पे हम क्या करते थे, एयर ब्लोइंग कराते थे, मतलब एयर भेजते थे स्टील में, ठीक है, एयर ब्लोइंग कराते थे, जिससे एयर में जो 21% ऑक्सीजन होता था ना वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता था और जो इम्प्योरिटी है वो ऑक्सीडाइज होती थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि एयर में 79% नाइट्रोजन भी होता है, कुछ हाइड्रोजन भी होता है, मतलब H2O के फॉर्म में हाइड्रोजन भी आ जाता था, तो ये सब स्टील की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब करते थे, ठीक है, जो बेसीमर कन्वर्टर जो हम यूज़ करते थे उसमें क्वालिटी स्टील की अच्छी नहीं बनती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, फिर उसी में क्या किया जाने लग गया, ऑक्सीजन लेंसिंग, ठीक है। तो ये सबसे पहले ट्राई किया था प्रोफेसर आर ड्यूरर ने, है ना। लेकिन ये जो कमर्शियली कहाँ पर यूज़ हुआ, लिंज और डोनाविच का एक शहर है ऑस्ट्रिया में, वहाँ पर सबसे पहला पायलट प्लांट बैठाया गया, मतलब छोटा सा प्लांट 2 से 5 टन के आसपास था, वो प्लांट बैठाया गया और वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लोइंग, प्योर ऑक्सीजन ब्लोइंग करके देखा गया, ठीक है। तो तब से ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया और इसी के नाम पे पड़ा है एलडी कन्वर्टर। एलडी मतलब लिंच और डोनाविच, डी मतलब डोनाविच, 1949 में इसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे देखा गया कि जो एलडी कन्वर्टर है इतना अच्छा प्रोसेस है, इतना फास्ट है कि आप 40 से 45 मिनट में ही आप, है ना, जो टैप टू टैप टाइम इसमें होता है 40 से 45 मिनट में आप स्टील प्रोडक्शन कर सकते हो, इतना इतना फास्ट है। इसके कंपेयर में जो ओपन हर्थ ट्विन हर्थ फर्नेस होता था उसमें 3-4 घंटे लगते थे, है ना, एक टाइपिंग के लिए हीट टाइम जो है 3 से 4 घंटा होता था, इसमें केवल 40 से 45 मिनट। तो इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और डिमांड भी था टाइम का, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे एंड हुआ था तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पूरे वर्ल्ड में, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज नई नई खड़ी होने लगी, तो स्टील का डिमांड बहुत हाई था, है ना। तो सही टाइम पे इसका मतलब डिस्कवरी हुआ एलडी कन्वर्टर का, है ना। और जैसे ही डिस्कवरी हुआ धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये जितने भी पुराने फर्नेस थे ना, ओपन हर्थ ट्विन हर्थ, सबको रिप्लेस कर दिया। लगभग आज के समय कहीं पर भी आपको ओपन हर्थ और ट्विन हर्थ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एलडी कन्वर्टर से ही पूरे वर्ल्ड में लगभग अभी के समय में 65% जो स्टील प्रोडक्शन है ना वो एलडी कन्वर्टर से होता है, और बाकी जो 35 है वो आपका इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस से होता है, ठीक है। अब इंडिया में कब आया एलडी कन्वर्टर, तो इंडिया में सबसे पहले 1956 में आया था,
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में सबसे पहले ये प्लांट बैठाया गया था, एलडी कन्वर्टर जो है वहाँ पहले लगा था। ठीक है, अब एलडी शॉप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शॉप कैसे दिखता है। एलडी शॉप मतलब क्या है, एसएमएस शॉप को बोलते हैं। एसएमएस शॉप के अंदर आता है आपका एलडी कन्वर्टर या एलडी शॉप, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो एलडी शॉप जो है बाकी से काफ़ी डिफरेंट होता है, ओपन हट ट्विन हट हर से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें आपको रैपिड प्रोडक्शन रेट मिलता है, तो उसके साथ साथ जो आपको क्या मटेरियल ट्रांसपोर्ट भी अच्छा चाहिए, क्योंकि मटेरियल बार बार आपको चार्जिंग करना है तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट आपका अच्छा होना चाहिए। और ऑटोमेटिक सिस्टम का ज़्यादातर यूज़ होने लग गया है, क्योंकि आपके समय में जो एलडी कन्वर्टर आ रहा है वो बहुत हाई कैपेसिटी का, यहाँ तक कि 500 टन कैपेसिटी का भी एलडी कन्वर्टर अब आ चुका है। तो इतने ज़्यादा कैपेसिटी के फर्नेस को चलाने के लिए प्रॉपर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग होना चाहिए, है ना। बिना ऑटोमेशन के आप इतना बड़ा एलडी कन्वर्टर चला भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो जो एलडी शॉप होता है ना वो मल्टी फ्लोर होता है, मल्टी फ्लोर शॉप होता है। यहाँ पे देखो, फिर डायग्राम में दिखाता हूँ। इसमें देखो, ये मल्टी फ्लोर शॉप है। इसमें आप ध्यान से देखो, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये एलडी वेजल है। ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, यही है एलडी कन्वर्टर, एलडी वेजल। इसको मैं डिटेल से इसका डिज़ाइन आपको समझाऊंगा, ये एलडी वेजल है। ठीक है, इतना छोटा है, और ये पूरा देखो एलडी शॉप है, उसमें छोटा सा पार्ट ये है एलडी वेजल, छोटा सा, जहाँ पे एक्चुअल में जो है स्टील का रिफाइनिंग हो रहा है। ठीक है, बाकी जगह तो केवल इसका क्या है, सहायक है, मतलब पूरा जो है। तो ये एलडी वेजल, इसके नीचे को हम बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर। ये नीचे का हिस्सा ग्राउंड फ्लोर होता है। इस पे क्या होता है, स्टील लैडल होता है। जब टाइपिंग हो जाता है, जब रिफाइनिंग हो जाता है ना, टाइपिंग इसी में करते हैं। नीचे जो स्टील लैडल है, डिसलैगिंग करना है और मेटल टाइपिंग, तो ये नीचे होता है, ग्राउंड फ्लोर में रखा होता है आपका लैडल। उसके ऊपर वाले फ्लोर को बोलते हैं वर्किंग फ्लोर, जहाँ पे क्या होता है एलडी कन्वर्टर होता है। ठीक है, वर्किंग फ्लोर के नीचे आधा होता है और आधा ऊपर होता है। ठीक है, ये वर्किंग फ्लोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्किंग फ्लोर में ही ना ये होता है, पल्पिट होता है। पल्पिट मतलब कंट्रोल रूम होता है, जहाँ से कंट्रोल किया जाता है पूरे प्रोसेस को, इसको वर्किंग फ्लोर भी बोलते हैं। ठीक है, वर्किंग फ्लोर में आपका वेजल रहता है, मतलब वेजल, और यहाँ पे टिल्टिंग गियर वगैरह सब कुछ रहता है। इसमें ट्रांसपोर्ट कार रहता है, ट्रांसफर कार अगर कुछ एडिशन करना है तो। इसके ऊपर आपका होता है बैचिंग फ्लोर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर के डिज़ाइन को पहले बता देता हूँ। अभी एलडी कन्वर्टर है, तो एलडी कन्वर्टर में आपको पता है कि हम ऑक्सीजन लेंसिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो ऑक्सीजन लेंस होता है। अब ऑक्सीजन लेंस का हाइट बहुत ज़्यादा होता है, 8 से 10 मीटर का लेंस होता है। उसके ऊपर फिर गियर अरेंजमेंट होता है, ऊपर नीचे करने के लिए गियर लगा होता है। एलडी जो लेंस है ना, उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है प्रोसेस के दौरान। ठीक है, फिर उसका जो ऑक्सीजन का टैंक भी होता है ना, ऑक्सीजन का मतलब स्टोरेज होता है। फिर उस स्टोरेज से वो लेंस पे आता है, लेंस से फिर वो नीचे जाता है, तो इससे हाइट क्या है बढ़ जाता है ना। उसके अलावा क्या होता है, आपका गैस ऑफटेक सिस्टम होता है। ये जो हुड दिख रहा है यहाँ पे ना, ऑफटेक गैस का हुड होता है, ये स्टैक होता है, यहाँ से ये हुड से स्टैक में होते हुए बाहर निकलता है। ठीक है, और क्या अरेंजमेंट होता है, ऊपर में स्टोरेज बिन्स होता है, सबसे टॉप में स्टोरेज बिन्स, जहाँ पे जितना फेरो अलॉय है, आपका फ्लक्स वगैरह, वो स्टोरेज बिन्स में, अलग अलग बिन्स में रहता है। इसके नीचे वेगिंग बिन होता है, जहाँ पे वेगिंग मतलब क्या होता है, वजन लेना, वेट करना। ठीक है, तो यहाँ से जितना अमाउंट में चाहिए, जितने भी केजी में आपको चाहिए, है ना, जितने वेट में चाहिए, वो वेगिंग बिन्स में जाता है। वेगिंग बिन्स के बाद ये कन्वेयर बेल्ट से एडिशन हॉपर में जाता है। यहाँ पे देखो एडिशन हॉपर है, ठीक है, एडिशन हॉपर है। फिर एडिशन हॉपर से ये एलडी वेजल के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ऊपर होता है इसका जो हाइट है ना, काफ़ी बड़ा होता है। एलडी जो एलडी शॉप होता है उसका मल्टी फ्लोर होता है, ये है ना, मल्टी फ्लोर शॉप होता है। अब ये बैचिंग फ्लोर के ऊपर आपका वेगिंग फ्लोर होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल का वेगिंग होता है। उसके ऊपर स्टोरेज फ्लोर होता है, स्टोरेज फ्लोर में ही सारे बीन्स होते हैं, बीन्स या बंकर होते हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है। और वहीं पे आपका जो लेंस का ऊपर नीचे करने का जो होस्ट गियर है ना, यहीं पे रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पूरा शॉप होता है। एक और फ़ोटो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक फ़ोटो है, ये आपका दिख रहा है, ये एलडी वेजल है। इसके नीचे लैडल रखा हुआ है, ये ऑफटेक गैस सिस्टम है, जहाँ से ऑफटेक गैस जाता है। ठीक है, ये लेंस है बीच में जो देख रहे हो, ऑक्सीजन लेंस। ठीक है, और ऊपर में हॉपर होता है, ये सब। यहाँ पे क्रेन देखो दिया है, हाँ क्रेन का भी अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे फोटो मैंने दिखाया गया, बट पूरा क्रेन्स का जाल बिछा होता है। मतलब हर फ्लोर में क्या होता है, क्रेन होता है, क्योंकि हर फ्लोर में आपको हेवी मटेरियल उठाना पड़ता है ना। जैसे आपको हॉट मेटल चार्जिंग करनी है, स्क्रैप चार्जिंग करनी है, तो क्रेन से ही होगा। तो हर फ्लोर में क्रेन्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है,
तो ये बहुत टॉल शॉप होता है, आपको बहुत ज़्यादा हाइट रहता है इसमें, काफ़ी हाइट रहता है इसका, ठीक है। अब जो एलडी प्लांट है उसमें क्या क्या चीज़ रहता है, मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है एलडी प्लांट का, तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है आपका वेजल, दी वेजल इंक्लूडिंग फाउंडेशन एंड रोटेशन गियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है वेजल, वेजल किसको बोल रहे हैं एलडी कन्वर्टर। देखो वेजल बोलोगे एलडी वेजल हो या एलडी कन्वर्टर बोल रहा है या बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस बोल रहा है, तो एक ही चीज़ है ना, कंफ्यूज नहीं होना, तो सब एक ही चीज़ की बात कर रहा है। तो एलडी वेजल पहला इसमें मेन कंपोनेंट क्या है, एलडी वेजल इंक्लूडिंग इट्स गियर, ये टिल्ट हो सकता है ना, जो एलडी वेजल है ये देखो, ये इसकी ये है एलडी वेजल, ये टिल्ट हो सकता है जब हम लोग को डिसलैगिंग करना है या टाइपिंग करना है तो टिल्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है गियर्स, इस जगह पे गियर्स, तो टिल्टिंग है, तो पहला यही है एलडी वेजल और ये इसका टिल्टिंग मैकेनिज्म और उसका फाउंडेशन, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, लेंस इंक्लूडिंग इट्स ऑक्सिलरी गियर्स, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसमें, ये आपका लेंस, ठीक है, ऑक्सीजन लेंस और उसके ऊपर जो लगा हुआ है गियर ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, हुड है, हुड एंड द वेस्ट गैस ट्रीटमेंट प्लांट, अच्छा एक मिनट, ठीक है। हुड के बारे में मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ये क्या होता है, इस तरह से एलडी कन्वर्टर है ना, ये एलडी कन्वर्टर है, तो यहाँ जो लगा हुआ ना हुड, ये हुड का काम क्या है, जितने भी वेस्ट गैस यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला एरिया को बोलते हैं हुड, ये वाला एरिया को, तो जितने भी वेस्ट गैस यहाँ से निकल रहे हैं वो हुड से होते हुए जा रहा है, हुड से कहाँ जाता है ये ऑफटेक गैस, गैस ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, क्योंकि जो गैसेस निकल रहे हैं उसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, उसको गैस ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, हुड और गैस ट्रीटमेंट, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं हुड एंड वेस्ट गैस ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है मटेरियल हैंडलिंग इन स्टोरेज फैसिलिटी, जैसे अभी मैंने बताया ये मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज फैसिलिटी सब कुछ आता है इसके अंदर, बीन्स है, कन्वेयर बेल्ट है, वेगिंग बीन्स है, एडिशनल हॉपर है, ठीक है, और एडिशन बीन है, नीचे भी होता है बहुत सारे बीन्स, वो सब किस में आता है आपका, इसमें मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी में। इसके अलावा स्क्रैप हैंडलिंग भी है, हॉट मेटल हैंडलिंग, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पल्पिट, ये भी इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एलडी प्लांट का, जो कंट्रोल रूम होता है इसको ही बोल रहा है कंट्रोल पल्पिट, है ना, प्लांट में इसको पल्पिट बोलते हैं, कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे सारा इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, सारे बटन वगैरह होते हैं जहाँ पे आप, जहाँ से बैठ के आप कंट्रोल करते हो पूरे प्रोसेस को। फिर है वेजल लाइनिंग एंड ब्रेकिंग एसेसरीज, अब जो एलडी कन्वर्टर है फर्नेस है ना, अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता है तो एलडी कन्वर्टर के अंदर लगा होता है रिफ्रैक्ट्रीज, इसको हम लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक एक करके सभी को हम लोग डिटेल में अब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं एलडी वेजल के बारे में, एलडी कन्वर्टर के बारे में। तो एलडी कन्वर्टर ही वो वेजल है, वेजल मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है बर्तन, ठीक है। और एलडी कन्वर्टर कैसे दिखता है, लोटे जैसे दिखता है, जैसे पुराने ज़माने में आता था ना लोटा, अभी भी आता है लोटा, ठीक है, बाहर से आपको लोटा ही है एक तरह से, बड़ा लोटा है मान के चलो, उसी के अंदर रिफ्रैक्ट्री लगा दिए हैं, ठीक है, और वो बन गया एलडी वेजल। आप वही लोटा लेना और स्ट्रॉ लेना जिसपे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो और उसमें फूकना पानी डाल के, तो क्या बन जाएगा, एक तरह से एलडी कन्वर्टर का वो मॉडल बन जाएगा वो, ठीक है, सिंपल सा यही है एलडी वेजल, इसको एलडी कन्वर्टर भी बोलते हैं और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वेजल है ना, उसको तीन सेगमेंट होता है, तीन सेगमेंट में डिवाइड है, अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन को देखोगे, तीन पार्ट में डिवाइड है, ये वाले फोटो में अच्छा समझ में आएगा। पहला वाला ये इसका बाथ है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल बाथ है ना, ये नीचे वाला है वो उसको बोलते हैं बाथ, एक मिनट, स्फेरिकल बॉटम, नीचे को बोलते हैं स्फेरिकल बॉटम, ये नीचे वाला क्या है, ये स्फेरिकल बॉटम है। दूसरा है ये सिलिंड्रिकल शेल, दूसरा क्या है, सिलिंड्रिकल शेल, और तीसरा है कोनिकल टॉप। तो तीन टाइप में डिवाइड है, तीन सेगमेंट में डिवाइड है ये, है ना। पहला क्या है, स्फेरिकल बॉटम है ये वाला एरिया, स्फेरिकल बॉटम, फिर सिलिंड्रिकल बॉडी, इस तरह से सिलिंड्रिकल बॉडी है ऐसे, ठीक है, फिर कोनिकल टॉप, इस तरह से कोनिकल टॉप। तो इस तरह से आपको क्या बनता है,
एलडी विजल का तीन है। अभी तीनों बाहर से आप देख रहे हो स्टील का बना हुआ है, ठीक है, स्टील का जो बहुत प्लेट आता है ना उसी को ही से बनाया गया, वेल्डेड है पूरा, ये तीनों सेक्शन वेल्डेड होता है और इसके अंदर जो है रिफ्लेक्टिव की लाइनिंग होती है। लगभग 600 से 1000 मीटर की मोटाई की लाइनिंग होती है अंदर में। अब लाइनिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा रिफ्रैक्टिव लाइनिंग का, ठीक है। तीन सेगमेंट इसमें होता है और इसका जो टॉप होता है ना, जो फर्नेस का जो टॉप पोर्शन है वो एक्चुअली उसमें ट्रंकेटेड फ्रस्टम ऑफ कोन है। मतलब कैसे दिखता है, एक तरह से जैसे कोन है ना, कोन आइसक्रीम खाए हुए आप लोग, ये कोन है, कोन का अगर मैं यहाँ को काट दूँ उसी तरीके से रहता है इसका टॉप। एक्चुअली में ये क्या है, मान के चलो ये ऐसा कोन है ना, कोन को ही बीच से मैं काट दिया, ठीक है, तो इसका टॉप एक्चुअली में कैसे दिखता है, यही बोल रही है, ट्रंकेटेड फ्रस्टम होता है इसका जो टॉप है, ट्रंकेटेड फ्रस्टम ऑफ कोन है ना। और ये जनरली 8 से 10 डिग्री बनाते हैं मेन एक्सिस से। इसका जो इंक्लिनेशन है, ये वाला जो इंक्लिनेशन है ना, वो मेन एक्सिस से आपका कितना 8 से 10 डिग्री का रहता है, या फिर ये भी बोल सकते हो ऐसा, ये जो बना रहा है यहाँ पे है ना, 8 से 10 डिग्री का एंगल बनाता है इसका जो कोन का एंगल है। ये आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्ज़ाम में अगर लिखोगे तो इसके डिज़ाइन के बारे में यही चीज लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये टैपर्ड होता है, माउथ इसका टैपर्ड होता है जैसे हमने देखा है ना। तो पहले क्या था ना, टैप होल नहीं होता था, पहले क्या होता था, टैप होल नहीं होता था, तो कैसे करते थे इसमें टैपिंग, इसका जो माउथ है उससे होता था, ये इसको पूरा टिल्ट करते थे, फर्नेस को पूरा टिल्ट करते थे, तो इसी माउथ से क्या होता था, मेटल बाहर आता था। जैसे हम लोग ग्लास लेते हैं, ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालूंगा तो कैसे करूंगा, ग्लास को ऐसे झुकाना पड़ेगा ना, तभी पानी एक ग्लास से दूसरे ग्लास में जाएगा, वैसे इसको भी पूरा ऐसे टिल्ट करना, घुमाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंट डेवलपमेंट में क्या आया है, ऐसा टैप होल होता है, देखो साइड में एक टैप होल होता है ना, तो आपको टैपिंग करने के लिए पूरा इसको ऐसे वो नहीं करना पड़ता, पूरा टिल्ट नहीं करना पड़ता, ये थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो टैप होल से मेटल बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें टैप होल आता है और ये जो कन्वर्टर है 360 डिग्री घूम सकता है, अरेंजमेंट होता है कि आप इसको पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हो, बट ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैक्सिमम जो है वो 220 डिग्री तक की ज़रूरत पड़ सकती है जब आप डिसलैगिंग करते हो उस समय, ठीक है, मैक्सिमम 220 डिग्री तक हम इसमें वर्किंग करते हैं, हालांकि 360 डिग्री भी घूम सकता है ये वेजल, ओके। तो यहाँ पे वेजल में अलग अलग पार्ट्स को मैं फिर से अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। ये आपका वेजल है ना, ये स्टील का बना हुआ है बाहर से, और अंदर में रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग लगी हुई है। ये आपका ऑक्सीजन लैंस है जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है डीऑक्सीडेशन के लिए, इम्प्योरिटीज़ के ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये हुड दिया गया जहाँ से वेस्ट गैसेस निकलती है ना, ये टैपिंग होल है, ये सब इसका पार्ट्स है। चलिए ये आप देख रहे हो, इसमें देखो वो कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, हॉट मेटल चार्जिंग, ऐसा ये टिल्ट हो सकता है, देखो ये टिल्ट हो गया है एलडी कन्वर्टर। और इधर देखो गियर का आपको दिख रहा होगा, ये गियर अरेंजमेंट है, यहाँ से घूमता है तो ये टिल्ट होता है, ठीक है। तो जब भी चार्जिंग करना होता है ना, थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है, और टैपिंग के समय भी टिल्ट करना पड़ता है एलडी कन्वर्टर को। नेक्स्ट अब देख लेते हैं एलडी डिज़ाइन, एलडी कन्वर्टर का डिज़ाइन कैसा होता है, ठीक है। अब जो एलडी कन्वर्टर जो होता है ना, इसका जो यहाँ पर देखो जो बाथ डेप्थ है वो 110 से 180 सेंटीमीटर के आसपास होता है। बाथ किसको बोलते हैं, देखो नीचे का जो बॉटम एरिया ना उसको बाथ बोला जाता है, इस एरिया को बाथ बोलते हैं, याद रखिएगा, इस एरिया जो स्पेरिकल बॉटम जो बोला ना उसको हम लोग बाथ बोलते हैं, ओके। और इसको स्टील शेल बोलते हैं, शेल, और इसको कोनिकल टॉप बोलते हैं, ओके। तो यही बोल रहा है कि जो बात का जो डेप्थ है वो 110 से 180 सेंटीमीटर होता है, या इसको आप 1.1 से लेके 1.8 मीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है किस कैपेसिटी का है, आपको मैं एक वो दिखाता हूँ डेटा। ये देखो वेजल कैपेसिटी यहाँ पे 30 टन, 75 टन, 200 टन, 300 टन का है। अब हाइट ऑफ सेल देखो, शेल मतलब किसको, जैसे मैंने बताया ये आपका स्फेरिकल बॉटम होता है, ये शेल होता है, और ये कोनिकल टॉप होता है। तो ये शेल कौन सा हुआ, ये वाला जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, ये वाला शेल। तो इसकी हाइट कितनी है, अगर 30 टन का रहेगा तो 7 मीटर होगा, 75 का तो 7.5, अगर 300 होगा तो 9 मीटर हाइट होगा शेल का। डाया ऑफ सेल, सेल का डाया 4 मीटर होगा 30 के लिए, और 300 के लिए 8.5 मीटर होगा, ठीक है ना। अब जनरली जो हाइट और जो वो होता है ना,
और डाया, हाइट और डाया के बीच का जो रेशियो है, हाइट टू डायमीटर रेशियो जनरली 1.5 होता है, हाइट टू डाया का रेशियो कितना होता है 1.5, मतलब हाइट जो है डाया के डेढ़ गुना होता है जनरली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे जैसे फर्नेस कैपेसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे तो फर्नेस का शेल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, शेल का हाइट, बट डाया जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है ना, जो भी नया शेल बनता है ज़्यादा कैपेसिटी का, तो उसमें डायमीटर को बढ़ाया जाता है, जो हाइट है उतना नहीं बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो हाइट को आप जितना बढ़ाओगे, लैडर के हाइट को, लैडर बोलता हूँ, कन्वर्टर के हाइट को जितना आप हाइट को बढ़ाओगे, उतना कम चांस है कि ऑक्सीजन अंदर तक पेनिट्रेट करे, क्योंकि हाइट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। भले आप डाया बढ़ा सकते हो, डाया आप बढ़ाओगे तो जो, क्योंकि जितना अगर डाया आपको बढ़ा रहे हो, है ना, जैसे मैं डाया को बढ़ा दिया, डाया को बढ़ाओगे तो क्या है, जो मेटल का जो डेप्थ है वो कम रहेगा, तो आसानी से ऑक्सीजन अंदर जाएगा रिफाइनिंग के टाइम पे। अगर आप हाइट को बढ़ा दिए, डाया कम रहेगा, हाइट बढ़ा दिए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जा पाएगा। इसलिए जब भी कैपेसिटी बढ़ाया जाता है, ज़्यादातर डायो को बढ़ाते हैं और हाइट को उतना नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। यह है इसका डिज़ाइन, ठीक है। अब लाइनिंग थिकनेस कितना होता है, लाइनिंग आपका 600 से 1000 mm होता है, लाइनिंग का जो थिकनेस है 1 मीटर तक, 1 मीटर थिकनेस तक का क्या करते हैं उसमें, एलडी कन्वर्टर में लाइनिंग होता है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग, ठीक है। पहले तो कैपेसिटी 30 से 40 टन की आती थी, लेकिन अभी के समय में मैक्सिमम आजकल तो 500 टन का एलडी कन्वर्टर भी आता है, मतलब आप 40 से 45 मिनट में 500 टन स्टील बना सकते हो, ठीक है। इतनी हाई कैपेसिटी का एलडी कन्वर्टर अभी के समय में आने लग गया है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो क्या है इसमें, ठीक है, या नोट कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन लेंस के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन लेंस कैसे होता है दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऐसे पाइप के जैसे है, यही लेंस है, और इसी के नीचे जुड़ता है आपका ये नोज़ल, ये जो आपको दिख रहा है नोज़ल, इसी के नीचे फिट होता है, ठीक है। तो ये लेंस हो गया, और इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, नोज़ल, ओके। तो इसी से हम भेजते हैं प्योर ऑक्सीजन फॉर रिफाइनिंग पर्पस, ठीक है। प्योर ऑक्सीजन उसी लेंस से, वो जो पाइप दिख रहा है ना, उसी से भेजा जाता है, ठीक है। ये जो लेंस होता है ना, वो 8 से 10 मीटर लंबा होता है, इसका जो लेंथ है वो 8 से 10 मीटर होता है, उसका जो डायमीटर है वो 20 से 25 25 सेंटीमीटर होता है, डिपेंड करता है कैपेसिटी पर भी। अगर ज़्यादा कैपेसिटी का है तो उस हिसाब से लेंस का जो हाइट है ज़्यादा रहेगा और डाया भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बट ये जो बुक का है वो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, डिपेंड करता है, आप एक्चुअल प्लांट में जाओगे तो कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, बट आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ओके। और ये जो पूरा लेंस होता है ना, वाटर कूल्ड होता है, ठीक है, वाटर कूल्ड होता है। और इसका जो नोज़ल है वो आपका नोज़ल जो है वो कॉपर का बना होता है, याद रखना, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ये नोज़ल कॉपर का बना होता है, क्योंकि कॉपर का जो है कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होता है, इसी कारण हम नोज़ल को कॉपर का बनाते हैं। और पूरा वाटर कूल्ड होता है, वाटर सर्कुलेट होते रहता है। कैसे होता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो लेंस होता है ना, या लेंस का यहाँ पे बोल रहा है, मतलब नोज़ल के बारे में बोल रहा है, नोज़ल जो है ना, यहाँ पे देखो नोज़ल जो है वो, इसमें 3 लेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो, द लेंस इज मेड ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक स्टील ट्यूब टू सर्कुलेट वाटर अराउंड द सेंट्रल ट्यूब। तो इसमें क्या होता है ना, 3 स्टील ट्यूब होते हैं, यहाँ पे देखो 3 ट्यूब दिख रहा है। एक्चुअली में ये नोज़ल है, तो बीच वाला ये है सेंट्रल, ये सबसे इनर मोस्ट ट्यूब है, उसके ऊपर ये वाला ट्यूब है, उसके बाहर ये ट्यूब है, तब 3 ट्यूब होता है। इसके जो ये वाला जो ट्यूब है ना, सेंट्रल ट्यूब, जिसको जो बीच में ट्यूब है, वहाँ से वाटर इनलेट होता है, अंदर जाता है वाटर, और यहाँ से बाहर वाले आउटर ट्यूब से आता है, मतलब ये पूरा वाटर कूलिंग होते रहते हैं, ताकि जो लेंस और नोज़ल है वो, उसका टेम्परेचर बहुत हाई मत जाए, ठीक है, या पिघल ना जाए, इसलिए। और इसका जो इनर मोस्ट जो ये ट्यूब है, वहीं से ऑक्सीजन फ्लो होता है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाता है और बाकी जो ट्यूब है वहाँ से वाटर अंदर जाता है, बाहर आता है, वो कूलिंग के लिए, वाटर कूलिंग के लिए, और मेन ऑक्सीजन यहाँ बीच से जाता है, ठीक है। अब ये जो लेंस जो होता है ना, वो ऑपरेट होता है, जैसे मैंने बताया, गियर से, ऊपर गियर लगा होता है, गियर से ऊपर नीचे ऑपरेट होता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, लेंस डिज़ाइन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब लेंस का डिज़ाइन एक्चुअली में होता कैसे, अब देखो लेंस जो है ना, का डिज़ाइन प्रॉपर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से आप सुपरसोनिक जेट प्रोड्यूस कर सको। अब सुपरसोनिक जेट क्या है, सुपरसोनिक जेट मतलब सुपरसोनिक स्पीड किसको बोलते हैं, अगर किसी चीज़ का स्पीड जो है
जो साउंड के स्पीड है उससे ज़्यादा हो तो हम उसको सुपरसोनिक बोलते हैं, है ना। सुपरसोनिक मिसाइल आपने सुना होगा, है ना। तो अगर साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ का, उसको हम सुपरसोनिक बोलते हैं। तो सुपरसोनिक जेट हमको यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, मतलब जो लैंस से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो सुपरसोनिक स्पीड का होना चाहिए, लगभग साउंड के स्पीड से 1.5 से 2.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। इतना स्पीड से आपको ऑक्सीजन देना है, तब जाके वो ऑक्सीजन अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगा, है ना। तो मेन रिक्वायरमेंट हमारा क्या है कि सुपरसोनिक जेट हमको प्रोड्यूस करना है, और ताकि जो जेट है वो स्टील तक अंदर तक पेनिट्रेट कर पाए। मतलब ये अगर आपका ये लैडल है ना, और यहाँ तक बात है मैटर का, तो आपका ऑक्सीजन अंदर तक पेनिट्रेट कर पाए। दूसरा, और इम्पैक्ट एरिया भी बड़ा हो। ऐसा नहीं है कि ये पूरा बात है और केवल एक पर्टिकुलर जगह पे इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। इम्पैक्ट एरिया भी बड़ा होना चाहिए और प्रॉपर पेनिट्रेशन होना चाहिए ऑक्सीजन का, इसलिए हमको सुपरसोनिक जेट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो सुपरसोनिक जेट आपको प्रोड्यूस कैसे करना है, तो उसके लिए लेंस डिज़ाइन जो आता है वो होता है कन्वर्जन डाइवर्जेंट लेवल शेप्ड नोज़ल आता है। मैं फ़ोटो दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको, ये देखो, ये इस टाइप का नोज़ल होता है, ये इसको बोलते हैं कन्वर्जन डाइवर्जेंट नोज़ल। तो इस सेक्शन को बोलते हैं कन्वर्जेंट सेक्शन। इस सेक्शन में देखो स्पीड जो होता है ना ऑक्सीजन का, वो सब सोनिक होता है, मतलब स्पीड कम होता है ये वाले एरिया पे, स्पीड कम होता है ऑक्सीजन का। तो जब ये यहाँ से गुजरता है और इधर क्या हो रहा है, डाया कम हो रहा है। तो डाया जब कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, जब ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है, अब ये एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर यहाँ पे बढ़े होगा और वेलोसिटी कम है। लेकिन जैसे ही इस एरिया से ये बाहर निकलता है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर जैसे ही रिलीज हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, अब यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, रिलीज़ हो जाता है प्रेशर, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन डाइवर्जन नोज़ल से आप सुपरसोनिक स्पीड से ऑक्सीजन भेज सकते हो, ठीक है। एक एक एग्जांपल देता हूँ घर का एग्जांपल में, जैसे पाइप से मान लीजिए पानी का फोर्स कम आ रहा है, तो मैं अगर पाइप के किनारे को दबा दूँ तो क्या होता है, पाइप जो वाटर जा रहा है उसका फोर्स, उसका जो स्पीड है बढ़ जाता है ना, क्योंकि अब उसको एरिया कम मिल रहा है, तो कम एरिया से वाटर को जाना है तो वाटर का स्पीड बढ़ जाता है। वैसे यहाँ पे भी है, ये एरिया यहाँ पे है ना, ये एरिया यहाँ पे कम हो जाता है, इसलिए एरिया कम हो गया और जितना ऑक्सीजन आ रहा है अमाउंट तो वही है बट एरिया कम हो गया, तो स्पीड जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जन डाइवर्जन नोज़ल इस्तेमाल करते हैं सुपरसोनिक जेट मतलब प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसका प्रेशर कितना होता है, 8 से 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर से भेजते हैं हम लोग ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर है ये, ठीक है। अगर बहुत कम स्पीड से भेजोगे, कम कम प्रेशर से भेजोगे ना, तो ऑक्सीजन जो मेटल के सरफेस को छू के आ जाएगा। अब सरफेस को छू के आएगा तो अंदर रिफाइनिंग ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉपर हमको चाहिए कि ऑक्सीजन बॉटम तक पहुँचे और पूरे मेटल का रिफाइनिंग अच्छे से हो, ठीक है। और ब्लोइंग के समय क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, एक्सपांड भी होना चाहिए, जो आपका बात जो आपका ऑक्सीजन है वो केवल ऐसा नहीं कि एक जगह पे इम्पैक्ट कर रहा हो, ठीक है। अगर एक जगह पे इम्पैक्ट करेगा तो प्रॉपर एक्सपांशन नहीं होगा, एक ही जगह पे रिफाइनिंग होगा बाकी जगह पे नहीं होगा। जैसे मैं अभी डायग्राम बना के बताता हूँ, ये आपका मान के चलिए लैडल है, ठीक है, अब ये आपका मेटल बात है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हम भेज रहे हैं, तो ऑक्सीजन भेजेंगे तो अगर मान के चलो केवल इसी एरिया में इम्पैक्ट करता है ये, तो इसी एरिया में क्या होगा, रिफाइनिंग होगा और बाकी का एरिया जो है वो छूट जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इम्पैक्ट एरिया भी होना चाहिए और प्रॉपर पेनिट्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक नया एडवांसमेंट हुआ है, इसको बोलते हैं मल्टी नोज़ल लेंस, मल्टी होल नोज़ल लेंस भी बोल सकते हैं उसको, मल्टी होल नोज़ल लेंस। जैसे कि यहाँ पे देखना आप, ये वाला फ़ोटो में देखो मल्टी होल नोज़ल दिख रहा है, इसमें देखो 3 होल दिख, यहाँ पे इसमें तो बहुत सारा होल है, 1 2 3 4 5 6 होल है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टी होल नोज़ल के यूज़ होने लग गए। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, अभी मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे डायग्राम बना के। मान के चलो मैं एक ही होल से ऑक्सीजन को भेज रहा हूँ, पहले ऐसे किया जाता था, एक पाइप जैसा होता था, सिंपल पाइप होता था, वहाँ से ऑक्सीजन सीधा भेजते थे। तो अगर एक सिंगल होल से आप भेज रहे हो ऑक्सीजन, तो केवल एक ही जगह को इम्पैक्ट करेगा, केवल एक ही जगह को इम्पैक्ट करेगा, बाकी एरिया में इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। तो इसी को क्या कर दिया गया, चेंज करके यहाँ पे लगा दिया गया नोज़ल, और नोज़ल में क्या होता था, मल्टी होल नोज़ल, बहुत सारा होल होता है। अब होल जो है ना अलग अलग एंगल पर रहता है, तो जब ऑक्सीजन यहाँ से गुजरा तो अलग अलग एंगल पर ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐसे फैल गया,
अलग अलग एंगल पे ऑक्सीजन फैल गया, उसके फैलने के कारण क्या होगा, जो इम्पैक्ट एरिया है ऑक्सीजन का बाद में वो बढ़ गया। ठीक है, इसमें फ़ोटो में देखो आप, ये जो होल है ना वो अलग अलग एंगल में बना हुआ है। देखो यहाँ से ये एंगल इधर गया, ये एंगल इधर है, अलग अलग एंगल में, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जो आ रहा है वो ऐसे फैल जाता है। ठीक है, मल्टी होल नोजल का यही फ़ायदा है, अलग अलग होल है और होल का एंगल थोड़ा सा ऐसे बाहर की ओर है, तो ऑक्सीजन जो निकल रहा है ना वो थोड़ा सा बाहर की ओर फैलता है, फैलने से इम्पैक्ट एरिया क्या हो गया, बढ़ गया ऑक्सीजन का। तो हर जगह पे ऑक्सीजन पूरे मेटल बाथ सरफेस में ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से पहुँच जाता है। ठीक है, किससे, मल्टी होल नोज़ल यूज़ करने से। ठीक है, तो यहीं पे देखो दिया है, सिंगल होल नोज़ल अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो जनरली स्मॉल साइज़ के लिए ठीक है, अगर बहुत छोटा सा फर्नेस है तो सिंगल होल नोज़ल ठीक है, बट अगर बड़ा है, ठीक है, तो मल्टी होल नोज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टी होल नोज़ल से बहुत सारे फ़ायदे हैं, रिफाइनिंग टाइम आपका कम हो जाता है, ठीक है, और काफ़ी सारे फ़ायदे भी मैं बताऊँगा। ठीक है, जैसे मान के चलो 350 से 400 टन कैपेसिटी का अगर आपके पास वेजल है, तो आजकल 7 to 8 होल वाला नोज़ल यूज़ करते हैं, 7 से 8 होल होता है उसमें, क्योंकि जितना, जैसे मैंने माना, जितना ज़्यादा कैपेसिटी मतलब उतना ज़्यादा डायमीटर है उसका, है ना, लैडल का डायमीटर, कन्वर्टर का डायमीटर उतना ज़्यादा है, और डायमीटर ज़्यादा है मतलब आपको ऑक्सीजन को ऐसे फैलाना भी है, तो जितना ज़्यादा होल वाला होगा उतना आसानी से ऑक्सीजन फैलेगा। ठीक है, लेकिन उस समय ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन अगर फैल रहा है तो स्पीड भी प्रॉपर रखना है। कई बार होता क्या, देखो कि जब फैलता है ऑक्सीजन, जब फैलता है तो स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड भी कम नहीं होना चाहिए, स्पीड भी प्रॉपर होना चाहिए फैल रहा है तो। ठीक है, क्योंकि अगर फैल रहा है लेकिन स्पीड कम हो गया तो वो इम्पैक्ट तो करेगा लेकिन पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो दोनों चीज़ ज़रूरी है, एक तो फैलना भी चाहिए और एक स्पीड भी होना चाहिए ताकि वो पेनिट्रेट कर पाए। क्या क्या एडवांटेजेस अब देखते हैं मल्टी होल नोज़ल का। पहला है इंक्रीज़ इन टोटल थ्रोटपुट ऑक्सीजन विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट एट द सेम प्रेशर, मतलब आप सेम प्रेशर में ही, जैसे 8 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल करते ना, तो सेम प्रेशर में ही आप ज़्यादा ऑक्सीजन भेज सकते हो, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा होल है तो ज़्यादा होल से आप ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आप भेज सकते हो, बोल रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में हम ऑक्सीजन भेज सकते हैं विदाउट द डेंजर ऑफ लाइनिंग डैमेज, मतलब लाइनिंग को डैमेज किए बिना हम ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन कम टाइम में भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, जल्दी रिफाइनिंग होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जरूरत हो तो जल्दी रिफाइनिंग होगा, आपका समय का बचत होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा है इम्प्रूवमेंट इन जेट स्पीड ऑफ द मेटल, तो जेट स्पीड भी इम्प्रूव हो जाता है इससे। अब देखो, अगर आप सिंगल पाइप से, सिंगल होल मतलब सिंगल पाइप मान लेता हूँ मैं, सिंगल पाइप से आप ऑक्सीजन भेज रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आप ऑक्सीजन भेजोगे ना तो लैडल में जितना मेटल है ना सब बाहर आ जाएगा, ये लैडल में जितना मेटल है इतना, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन भेजना है तो आप ज़्यादा प्रेशर से भेजना चाहोगे, तो जब ऑक्सीजन जाएगा तो ये पूरा मेटल को ऐसे बाहर निकाल देगा, इतना प्रेशर रहेगा ये पूरा मेटल बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो आप स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हो अगर सिंगल होल है तो, सिंगल होल नोज़ल है तो, अगर मल्टी होल है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, पहला है कि लेस स्लोपिंग एंड स्प्लिटिंग, इसी को बोलते हैं स्लोपिंग और स्प्लिटिंग, जो मेटल जो है बाहर निकल जाता है ना, इसी को, जैसे आप, मैं एक गिलास में पानी लूँ और ज़ोर से फूंक मारो उसको, आप ज़ोर से फूंक मारोगे तो पानी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्यों, स्लोपिंग और स्प्लिटिंग के कारण। तो अगर मल्टी होल नोज़ल यूज़ करोगे ना तो ये नहीं होता है, स्लोपिंग और स्प्लिटिंग नहीं होता है या कम होता है। इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ स्लैग एंड मेटल, अब देखो प्रॉपर इम्पैक्ट एरिया बढ़ेगा, प्रॉपर पेनिट्रेशन होगा तो स्लैग और मेटल के बीच में मिक्सिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, मिक्सिंग अच्छी होने का मतलब है कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा स्लैग और मेटल का। ठीक है, और कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा ना तो प्रॉपर मास ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, मास ट्रांसफ़र, तो जो भी जैसे कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, जैसे सिलिका बन रहा है, MnO बन रहा है, P2O5 बन रहा है, ये तो पहले कहाँ बनेगा, पहले तो ये मेटल में बनेगा ना, मेटल से इसको कहाँ ट्रांसफ़र होना है, स्लैग में, तो स्लैग में ट्रांसफ़र कहाँ होगा, जहाँ कॉन्टैक्ट एरिया होगा वहीं से होगा, तो जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा उतना ज़्यादा मास ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यही बोल रहा है, इसलिए इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ स्लैग एंड मेटल। ठीक है, अगर स्लैग मेटल का मिक्सिंग अच्छे से होगा तो मास ट्रांसफ़र भी अच्छा होगा, रिफाइनिंग इसमें जल्दी होगा। नेक्स्ट, इसमें एडवांटेज क्या है, बेटर गैस रिकवरी एंड इम्प्रूव लाइनिंग लाइफ, लाइनिंग लाइफ अच्छी होगी इस केस में। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया ना कि इम्पैक्ट फैल जाता है आपका, गैसेस फैल जाता है, तो प्रॉपर एक जगह पे आप स्पीड में भेजोगे ऑक्सीजन तो ये
बॉटम को भी हिट कर सकता है। अगर आप सिंगल होल से भेज रहे ऑक्सीजन बहुत स्पीड से, तो ये ऑक्सीजन नीचे की रिफ्रैक्ट्री को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। और बेटर थर्मल बैलेंस एंड इम्प्रूव स्लैग बेसिसिटी, ये भी इसका एक एडवांटेज है। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ है, यहाँ पे देखो ये लेंस का हाइट है और ये जेट इम्पैक्ट एरिया है, मतलब कितने एरिया में इम्पैक्ट हो रहा है। तो देखो अगर सिंगल होल लेंस है तो इम्पैक्ट एरिया इसका कम है। सेम लेंस हाइट पे, मान के चलो ये वाला लेंस हाइट है, इस हाइट में देखोगे ना तो इम्पैक्ट एरिया कितना कम है सिंगल होल नोज़ल के लिए। अगर वहीं अगर मल्टी होल लेंस होगा तो इम्पैक्ट एरिया कितना ज़्यादा है ना। लेंस का हाइट मतलब, लेंस का हाइट मतलब क्या बोल रहे हैं, ये आपको मान लीजिए लैडर है और ये स्टील बाथ का हाइट है। अब स्टील बाथ से कितने हाइट में आपका लेंस है, इसको बोलते हैं लेंस हाइट, ये होता है लेंस हाइट, ठीक है। तो मान के चलो अगर लेंस हाइट वही रहेगा तो सिंगल होल के लिए इम्पैक्ट एरिया कम होगा, क्योंकि ये सीधा ऐसे जाएगा सिंगल होल वाला, तो इम्पैक्ट एरिया बहुत छोटा होगा। अगर मल्टी होल होगा तो ये ऐसे फैल जाएगा ऑक्सीजन, तो इम्पैक्ट एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ वही बता रहा है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें दी हुड एंड वेस्ट गैस ट्रीटमेंट, है ना। हुड के बारे में जान लेते हैं, वो हुड वाला पार्ट और वेस्ट गैस ट्रीटमेंट के बारे में। तो हुड वाला पार्ट किसको, ये वाला पार्ट जैसे मैंने बताया ना, एक ढक्कन जैसा रहता है, इस तरह से एक ढक्कन रहता है। ढक्कन किससे जुड़ा होता है, हुड से जुड़ा होता है, ठीक है। अब हुड में काफ़ी सारे देखो अरेंजमेंट होता है, हुड में ही आपका अरेंजमेंट होता है ऑक्सीजन लेंसिंग के लिए ही, ठीक है। हुड में एक होल होता है, उस होल से ऑक्सीजन लेंसिंग जो पाइप है, ऑक्सीजन लेंस है, उसको भेजा जाता है। और हुड में एक और अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे कोई अगर हॉपर है ना, कोई मतलब मुझे अगर कुछ एडिशन करना है, जैसे लाइम एडिशन करना है, फ्लक्स एडिशन करना है, फेरोल एडिशन करना है ना, तो क्या होता है कि हुड में, देखो ये हुड है पूरा, ये हुड में बीच में क्या है, ऑक्सीजन लेंसिंग के लिए होल है, यहाँ से ऑक्सीजन लेंसिंग होगा। और उसी के बगल में एक और होगा, उसको शूट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई एडिशनल एडिशन करना है तो उसके लिए भी अरेंजमेंट होगा हुड में ही, ठीक है। अगर फेरोल वाई करना है या फिर लाइम करना है उसके लिए, उसके अलावा हुड में एक दरवाज़ा भी होता है, इस एरिए को हुड बोलते हैं ना, इसमें एक दरवाज़ा भी होता है, ताकि अगर आपको कोई रिपेयरिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, तो उसमें एक डोर भी दिया रहता है हुड में। ओके, अब ये हुड है, ये पूरा स्टील का बना होता है, ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये हुड बोलते हैं, इधर वाले पोर्शन को स्टैक बोलते हैं, ठीक है, इधर वाले पोर्शन को स्टैक बोलते हैं। अब जो हुड और स्टैक जो होता है, वो बाहर से स्टील का बना होता है, स्टील के प्लेट को ही जोड़ के क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है, इसके अंदर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है फायरब्रिक्स की। जितना आप जो वेस्ट गैस जो जा रहा है ना, जहाँ से भी होके, क्योंकि वेस्ट गैस में भी हाई टेम्परेचर है ना, उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो पूरा जितना भी आप पाइप देख रहे हो ना, हुड हो या स्टैक हो, सबके अंदर फायरब्रिक्स की रिफ्रैक्टरी लाइनिंग लगी होती है। ओके, तो जो गैस है वो हुड से होते हुए आगे जाता है, है ना। अब पहले क्या होता था ना, सीधा जो गैसेस होता था ना, उसको सीधा बिना ट्रीटमेंट भी कुछ भी किए सीधा हवा में छोड़ देते थे, लेकिन उससे बहुत पॉल्यूशन होता था, क्योंकि काफ़ी सारे उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती थी, है ना, बहुत सारा एयर पोल्यूटिंग एजेंट होता था उसमें। जैसे जहाँ पे ऑक्सीजन सीधा ब्लो कराते हैं ना, सीधा ऑक्सीजन जहाँ पे इम्पैक्ट करता है, वहाँ पे हॉट जोन क्रिएट होता है। जैसे ये आपका ऑक्सीजन लेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो बाद में जिस एरिया पे ऑक्सीजन इम्पैक्ट करेगा ना, वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन वहाँ पे पड़ता है, तो वहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हॉट जोन क्रिएट होता है और वहाँ का टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कई सारे एलिमेंट्स ना वहाँ पे वेपराइज हो जाते हैं, जैसे आयरन वेपर बन जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस में, और कुछ अमाउंट में गैस के साथ वेपर बन के बाहर निकलता है। और जैसे ये बाहर निकलता है, ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आता है, मतलब आयरन जब थोड़ा सा ऊपर जाता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, है ना। ये आयरन ऑक्साइड भी वेपर के फॉर्म में रहता है, और ये आपका रेड ब्राउन कलर का दिखता है, रेड ब्राउन या डार्क ब्राउन। कभी आप लोग को चांस मिले तो देखना, एलडी कन्वर्टर में जब ऑक्सीजन ब्लोइंग करते हैं ना, तो एक ब्राउन कलर का धुआं निकलता है, या रेड ब्राउन कलर का एकदम धुआं सा निकलता है। वो क्यों होता है, जैसे ही ऑक्सीजन लेंसिंग करते हैं ना, आयरन जो है वेपर बनता है, और वेपर बन के
ऑक्सीजन सिलेक्शन करके आयरन ऑक्साइड बन जाता है, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स बनता है, वो पार्टिकल्स वही है जो रेड और ब्राउन कलर का होता है ना। अब इसको अगर आप डायरेक्टली छोड़ दोगे आसमान में तो ये बहुत एयर पोल्यूशन करेगा, क्योंकि इसमें CO, CO2 भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, बहुत सारा डस्ट होता है। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी के समय में पोल्यूशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, पहले नहीं होता था बट अब बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो अभी क्या है, वेस्ट गैस ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वेस्ट गैस देखो कहाँ से जाता है, हुड से जाता है। ठीक है, वेस्ट गैस जो है हुड से होते हुए आगे जाता है, वुड से होते हुए स्टैक में जाता है, स्टैक से फिर ये गैस कूलर में जाता है, फिर आगे ये गैस ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया ना, पूरा जो हुड स्टैक जो होता है वो स्टील प्लेट का बना होता है और अंदर से फायर ब्रिक्स की लाइनिंग होती है ना। और हुड जो है वो वाटर कूल्ड होता है, क्योंकि जो ऑफटेक गैस है उसमें बहुत टेम्परेचर होता है, तो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग को बचाने के लिए उसको वाटर कूल्ड रखना पड़ता है, जो हुड है उसको। ठीक है, और इसी में जैसे मैंने बताया ना, वाटर कूल्ड शूट होता है जहाँ से आपको हुड में ही अरेंजमेंट होता है, आपको फेरोल ऐड करना है अगर या लाइम ऐड करना उसके लिए। ठीक है, और क्या होता है इसमें, एक्सेस डोर भी प्रोवाइड किया जाता है, डोर ताकि कोई जब भी मेंटेनेंस करना हो, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग डैमेज होगी उसको ठीक करना हो, तो आप अंदर हुड के अंदर जा करके उसको रिपेयरिंग भी करते हैं। ठीक है, अब जो गैसेस जो निकल रही है, जो यहाँ से जो गैसेस निकल रही है उसको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले जाता है आपका ये डस्ट कैचर में। ठीक है, डस्ट कैचर कैसे काम करता है थोड़ा सा बता देता हूँ। ये डस्ट कैचर है, यहाँ से जो ऑफटेक गैस आ रही है जिसमें डस्ट है, उसको ये इसमें डस्ट कैचर में भेजते हैं, इसको वेंचरी स्क्रबर भी बोलते हैं। ये यहाँ से जाते हुए ना एक नोज़ल होता है छोटा सा, देखो। ठीक है, ये होता है, यहाँ से जब गैसेस निकलती हैं ना तो ऐसे फैल जाती है, हाई जब हाई प्रेशर से निकलता है तो, और ऊपर से क्या करते हैं, वाटर स्प्रे कराते हैं। तो जब वाटर जो है डायरेक्टली जब गैस में पड़ता है, ठीक है, तो गैस में क्या छोटे छोटे डस्ट हैं, तो वो वाटर ना पूरे डस्ट को नीचे अपने साथ लेके बैठा देता है। वाटर क्या करता है ना, पार्टिकल्स को हेवी कर देता है। जैसे हम भी घर के बाहर जब झाड़ू करते हैं, ज़्यादा धूल उड़ते हैं तो क्या करते हैं, पानी छिड़क देते हैं, पानी छिड़कते हैं जितना धूल है बैठ जाता है, वहाँ पर भी वही होता है। ऊपर से वाटर कैसे स्प्रे कराते हैं तो गैस में जितना डस्ट है वो वाटर के साथ नीचे बैठ जाता है, और जो गैस होती है, जो गैस है वो इधर से बाहर निकल जाता है और डस्ट जो है वो नीचे जमा हो जाता है। तो इसमें जो बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं, बड़े जो डस्ट होते हैं ना, वो पूरा बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से काम करता है। यहाँ पे भी देख लो, ये आपका लैडल है, लैडल से ये हुड है, हुड से होते हुए ये आगे जा रहा है स्टैक में, स्टैक से वाटर कूलर, ये गैस कूलर होता है, गैस कूलर से ये आपको यहाँ जा रहा है वेंचरी स्क्रबर में, या डस्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं, यहाँ से फिर डस्ट कलेक्टर के से डस्ट कलेक्ट हो जाता है, जो बड़े साइज़ का डस्ट है, लेकिन अभी इसमें छोटे साइज़ के डस्ट हैं, तो इसको फिर भेजा जाता है इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में। आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। ठीक है, इसका वर्किंग मैंने आयरन मेकिंग वाले वीडियो पे बताया है बहुत डिटेल से। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से जाता है, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा जो डस्ट होता है ना वो भी यहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, फिर ये चिमनी से इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेंचरी स्क्रबर का पूरा आपको दिया गया है वर्किंग, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो मैं बताया हूँ वही चीज़ इसमें बोला गया है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे कई जगह पे क्या करते हैं ना, यहाँ से जो हीट जो गैसेस निकलती है उसकी भी कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होता है, क्योंकि उसमें भी CO का अमाउंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कई बार ये जो गैस निकल रही है ना उससे बॉयलर भी चलाते हैं, तो छोटा मोटा पावर प्लांट इससे चल सकता है ना, क्योंकि इस गैस में भी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, या फिर किसी प्लांट में तो सीधे हम लोग छोड़ देते हैं इसको, कोई पावर प्लांट नहीं होता, सीधे इसको बाहर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग, जैसे आपको पता है कि जितना भी रॉ मटेरियल है आपको हैंडल करना पड़ेगा। मैंने रॉ मटेरियल वाले चैप्टर में बताया था कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल आपको लगता है। ठीक है, तो उतना रॉ मटेरियल लाना है, उसका हैंडलिंग करना, स्टोरेज करना, उसकी पूरी फैसिलिटी होती है। सब काम जो है वो क्रेन से होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना, पूरा बता दिया था। सबसे ऊपर स्टोरेज बीन्स होता है, जो भी लाइम है, फ्लक्स है, फिरोल है, सब स्टोरेज बीन में होता है। वहाँ से वेगिंग बीन्स होता है, वेगिंग बीन्स में प्रॉपर वेट किया जाता है, प्रॉपर कितना अमाउंट में भेजना है वो देखा जाता है। फिर वो नेक्स्ट किस में आता है, कन्वेयर बेल्ट में गिरता है, कन्वेयर बेल्ट से वो एडिशन हॉपर में जाता है, एडिशन हॉपर से डायरेक्ट हम उसको ऐड कर देते हैं स्टील में, मतलब LD कन्वर्टर में डाल देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, किसका हो गया, ये जितना भी फेरोल ऑय है, लाइम है, उसका हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट है स्टोरेज स्पेस, नेक्स्ट है इसमें हैंडलिंग में स्क्रैप यार्ड होता है, स्क्रैप यार्ड, क्योंकि आपको पता है कि एलडी कन्वर्टर में जो है ना 80% तक हम क्या चार्ज करते हैं, हॉट मेटल, और 20% हम चार्ज करते हैं स्क्रैप। ज़्यादातर जो स्क्रैप होता है प्लांट के अंदर ही जनरेट होता है, तो 20% स्क्रैप हम चार्ज करते हैं। तो स्क्रैप चार्ज करने के लिए ये देखो इस तरह से बीन्स, ये होता है बॉक्स होता है, ये बकेट बोलते हैं या बॉक्स होता है ऐसे, इसी में स्क्रैप रखा हुआ है। तो थोड़ा सा फर्नेस को टिल्ट करके ये क्रेन की मदद से इसको उठाए हैं, इसके अंदर क्या है स्क्रैप है, इसको थोड़ा सा झुका लेते हैं तो इसमें जितने भी स्क्रैप है वो सीधा एलडी कन्वर्टर के अंदर चार्ज हो जाता है, स्क्रैप चार्जिंग करते हैं। उसके बाद हॉट मेटल चार्जिंग कैसे करते हैं, वो भी क्रेन की मदद से होता है। तो ये होता है लैडल, ठीक है, ये लैडल में हम हॉट मेटल रख लेते हैं, फिर ये जो है एलडी कन्वर्टर उसको थोड़ा सा झुका लेते हैं, टिल्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से क्रेन की मदद से इसको हम चार्जिंग कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्रैप के लिए क्या होता है, बड़ा सा स्क्रैप यार्ड होता है जहाँ पे अलग अलग टाइप के स्क्रैप को रखा जाता है, ठीक है। स्पेशल बॉक्सेस होते हैं, चार्जिंग बॉक्सेस, जैसे मैंने दिखाया क्रेन की मदद से, ओवरहेड क्रेन की मदद से हम उसको क्या करते हैं, बॉक्स को लिफ्ट करते हैं और स्क्रैप चार्जिंग करते हैं वेजल में, है ना। और हॉट मेटल चार्जिंग के लिए क्या आता है, हॉट मेटल चार्जिंग के लिए भी सेम जैसे मैंने दिखाया ना, ओवरहेड क्रेन होता है, उसकी मदद से हम लोग लैडल होता है, लैडल को, लैडल से हम हॉट मेटल को चार्ज करते हैं, किसमें, एलडी कन्वर्टर में, ठीक है। अब बड़े बड़े फर्नेस में क्या होता है ना, मिक्सर होता है, मतलब बड़ा जो प्लांट होता है ना उन लोग के पास मिक्सर भी होता है। मिक्सर एक्चुअली में क्या होता है, अगर एक प्लांट के पास एक से ज़्यादा अगर ब्लास्ट फर्नेस है तो हर एक ब्लास्ट फर्नेस से क्या निकलेगा, हॉट मेटल, ठीक है। तो जो हॉट मेटल आएगा वो आप डायरेक्टली तो यूटिलाइज होगा नहीं, थोड़ा बीच में समय लगता है, तो मिक्सर बना होता है, बड़ा बड़ा वीजल होता है, मिक्सर होता है ना, उस मिक्सर में हॉट मेटल को डाल देते हैं, जो दो तीन फर्नेस जो आ रहा है, दो तीन ब्लास्ट फर्नेस से उसको डाल देते हैं, उससे प्रॉपर मिक्सिंग भी हो जाता है और वो स्टोरेज भी हो जाता है। तो वहाँ से मिक्सर से हम उसको डालते हैं लैडल में, फिर लैडल से हम इसको किस में डालते हैं, एलडी कन्वर्टर में, ठीक है। अगर अगर छोटा प्लांट है जिसके पास केवल एक ही ब्लास्ट फर्नेस है तो उसमें मिक्सर नहीं होता डायरेक्टली, ये लैडल आता है कहाँ से, ब्लास्ट फर्नेस से, इसमें पिगारन होता है, फिर इसको हम चार्ज कर देते हैं किसमें, एलडी कन्वर्टर में, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब होता है जितना भी कंट्रोलिंग अरेंजमेंट होता है ना, जैसे फर्नेस को टिल्ट करना है, ऑक्सीजन लाइन्स को ऊपर नीचे करना है, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन को फ्लो कराना है, ठीक है, और भी बाकी सारा जो होता है कंट्रोलिंग अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। जो कंट्रोल रूम, जो पल्पिट होता है ना, वहाँ पर जितना भी आप लोग बटन देख रहे हो ना, ये सब, ये पूरा पल्पिट है, देखो यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन में काफ़ी सारा डेटा शो होते रहता है, ऑक्सीजन फ्लो का डेटा, जो वाटर टेम्परेचर है कूलिंग, कूलिंग के लिए उसका टेम्परेचर प्रेशर, बहुत सारा चीज़ शो होते रहता है, ठीक है, यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा मैं, बहुत सारे चीज़ें डेटा शो होता है यहाँ पे, जितना देखो बटन दिया गया है, ये सब ऑपरेट करने के लिए एलडी कन्वर्टर को, ओके। तो इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे फर्नेस की कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जितना कैपेसिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा ह्यूमन का काम करने का वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा वेजल होगा उतना कम दिखाई देगा, फिर वो ऑटोमेटिक ही आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर क्या क्या आता है देखो, पहला है डेप्थ इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो कंट्रोल रूम में क्या क्या होता है, एक डेप्थ इंडिकेटर होता है जो ऑक्सीजन लेंथ के हाइट को बताता है कि वो स्टील बाथ से कितने हाइट पे है, ठीक है, ये होता है डेप्थ इंडिकेटर। फिर कंट्रोल नॉब होता है लेंस पोजिशन के लिए, आप लेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कंट्रोल नॉब होता है ऑक्सीजन फ्लो के लिए, ऑक्सीजन फ्लो के आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन ब्लोइंग कराना है उसका नॉब होता है। कन्वर्टर टिल्टिंग कंट्रोल होता है, कन्वर्टर है ना, टिल्टिंग कंट्रोल आपको जब टाइपिंग करना होता है ना तो गियर को चलाने के लिए ऑपरेटर को तो चाहिए, तो कन्वर्टर टिल्टिंग कंट्रोल होता है कितना आपको टिल्ट करना है। फिर ऑक्सीजन प्रेशर इंडिकेटर होता है, कितने हम कितने प्रेशर में ऑक्सीजन जा रहा है, ये जितना कंप्यूटर देख रहे हो ना उसमें शो होते रहता है। फिर लेंस कूलिंग वाटर टेम्परेचर प्रेशर होता है, जो लेंस है उसमें जो आप जो वाटर कूलिंग जो होता है ना, जो आप वाटर भेजते हैं उसका टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, कितने प्रेशर से भेज रहे हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है मतलब लेंस गर्म हो रहा है, ठीक है, प्रेशर को इंडिकेट करते हैं कितने प्रेशर से वाटर जा रहा है। ऑक्सीजन फ्लो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर रिकॉर्डर होता है, ऑक्सीजन फ्लो रिकॉर्डर होता है कि कब कब कितने अमाउंट में ऑक्सीजन दिया जा रहा है। चार्ज मटेरियल वेट इंडिकेटर होता है,
ठीक है, कितने अमाउंट में चार्ज मटेरियल आप दे रहे हो, वेट इंडिकेटर उसका कंट्रोल होता है कि कब आपको चार्जिंग करना है, वो कंट्रोल रूम से होता है, कब चार्जिंग करना है कब नहीं करना है वो कंट्रोल रूम में बटन होता है, वहाँ से चार्जिंग कंट्रोल होता है। फिर बाथ टेम्परेचर इंडिकेटर होता है कि बाथ का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, ऐसे बहुत सारा और है, मैं बता नहीं पाऊँगा। एक्चुअल अगर आप कभी काम करोगे जॉब करोगे तो आपको पता चलेगा, इससे बहुत सारा कंट्रोल आप कर सकते हो। इंडिकेटर होता है, बहुत सारा नॉब होता है, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल रूम में, ठीक है। जो ऑटोमेशन होता है ना SMS का, उसको लेवल 1 to 5 होता है। इसमें जो सबसे कम ऑटोमेशन होता है उसको लेवल 1 बोलते हैं, जहाँ पे ऑटोमेशन कम होता है, और सबसे हाईएस्ट ऑटोमेशन को हम लेवल 5 बोलते हैं, जहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। अब देखो धीरे धीरे AI का ज़माना है, ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारा प्रोसेस और ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, ठीक है। कल के समय में हो सकता है कि हमको कल कम इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़े, है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लग गया है। तो मुझे लगता है स्टील प्लांट भी इससे अछूता नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कल के समय में और ज़्यादा ऑटोमेशन होने वाला है। ओके, तो ये था पूरा वीडियो LD कन्वर्टर के प्लांट और इक्विपमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा प्रोसेस और ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।